कितना नारा लगाएंगे अपन, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, दुष्यंत सिंह मंच पर विराजमान, मेरे सभी पुराने और नए बनने जा रहे सहयोगी उपस्थित, बारह जनता की गांव-गांव से पधारे हुए मेरी माता बहनें, सभी बुजुर्ग युवा साथियों और बच्चों, अभी मेरे से पूर्व जिन वक्ताओं ने आपको संबोधित किया, काफी कुछ इस निकम्मी सरकार के बारे में बताया होगा, पर थोड़ा थोड़ा भाषण मैंने ललित का सुना। ललित ने भी काफी बारह जिले की कमियां आपके सामने रखी और सरकार किस प्रकार की चल रही है उन्होंने ये बताने की कोशिश की। मैं आपको निवेदन कर, सबसे पहले तो मैं आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उसके बाद निवेदन करना चाहूँगा और न्योता देना चाहूँगा कि 25 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर इस झालावाड़ और बारह जिले की आठों विधानसभाओं को भारी मतों से जिताएंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने भी कई दिवालियाँ देखी होगी और मैंने भी कई दिवालियाँ देखी है, पर मुझे रोना आता है कि इस बार हमारे बारह जिले के आधे किसानों ने, आधे गांवों में बिना बिजली के दिवाली मनाई। ये किस प्रकार का राज है जब बिजली नहीं दे सके। वसुंधरा जी के राज में हमारे को 48 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता था, आज महीने महीने दो दो महीने ट्रांसफार्मर नहीं बदल रहे हैं। जिनके बिजली के कनेक्शन हो जाना चाहिए था, बिजली के कनेक्शन नहीं हो रहे हैं और किसान आ भी जाता है और उसको सामान देते भी हैं तो अधूरा सामान देता है, देते हैं, जबकि ये सब जिम्मेदारी बिजली विभाग की है और बिजली विभाग के कॉन्ट्रैक्टर्स की है। पर एक लूट सी मची है, चाहे कोई सा भी महकमा देख लो, ऐसा कोई महकमा नहीं है जिसमें लूट नहीं मची हो। बारह की जिले की जनता त्राही त्राही करने लगी है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जो मेरे क्षेत्र की मैं बात करना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में अफीम की खेती लार्ज स्केल पर होती है। मैंने दुष्यंत सिंह जी ने और वसुंधरा राजे जी ने बड़ी कोशिश की ताकि अफीम के पट्टे खुले, नहर का मुआवजा मिले, जमीन का मुआवजा मिले। हम चाहते हैं कि एक ग्रेसिया के तहत परवन नदी में जो गांव डूब में आए हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले और किसानों को लाभ पहुँचे। कल परसों में उस इलाके में था, वहाँ पर लोगों ने मांग की और मैंने उनको कहा है कि फिर से हम हमारे सांसद श्री दुष्यंत सिंह जी के साथ दिल्ली में भी मिलेंगे और जयपुर में भी मिलेंगे और मिलकर आपको और क्या मदद कर सकते हैं वो मदद करवाने की कोशिश करेंगे। आपने नेशनल हाईवे 90 नंबर का
काम देखा होगा, 90 नंबर किस हालत में था जब हमने दुष्यंत सिंह जी से निवेदन किया और दिल्ली में गडकरी जी से मिले, उसके बाद इस सड़क का काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत।